सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा हम बच्चों को वरदानों से श्रृंगार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। तो आज बाबा खास हम बच्चों को कह रहे हैं, वरदाता को राजी करने की सहज विधि। वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख के हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबर वार हैं। बाबा कहते हैं, वरदाता सभी बच्चों को वरदान की झोली भर भर के देते हैं, फिर भी नंबर वार क्यों? वरदाता देने में नंबर वार नहीं देते, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है, जो जितना लेने चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कोई बच्चे सर्व वरदानी से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, बाबा कहते हैं ये मैं तुम बच्चों को पहले भी सुनाया, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता, तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। भगत सिर्फ राजी करने की विधि वरदाता को राजी करने की जानते हैं। उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पवित्रता नहीं, सर्व संबंध से एकाग्रता, माना एक व्रता, संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ है। कई बच्चे व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई बाप पूछ रहे? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकारी दुनिया में चलने के कारण, कोई साकारी सखावा सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए। ये बाबा कहते हैं चतुराई है, क्योंकि बाप तो निराकार है और आकार है इसीलिए सेवा साथी है, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन और आकार है इसीलिए सेवा साथी है। आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है, वो कभी कभी मुश्किल लगता है, इसीलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएगी, भगवते जब दिमाग में बहुत सारी बातें भर जाएगी तो ये प्रश्न मन में स्वतः ही आता है। तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठा नहीं होती जो सुननी पड़े, क्योंकि एक बाबा दूसरा ना कोई और तो कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हैं, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है, फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे कर लेते हो? हर समय साथ है, वा 6-8 घंटा साथ है, वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह पक्का वायदा है। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पाठ बजाएंगे। जब ऐसे वादा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए? बाप पूछ रहे हैं हम बच्चों को,
साथी है तो जब साथी है कोई विशेष नहीं, इसी को कहते हैं एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। कहते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए, निरंतर बाबा के साथ हमें अपने आप को समर्पण अर्पण कर देना चाहिए। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए रेडी हैं, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझा क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब जब परिस्थिति में पास हुई अनर नहीं बनते, क्योंकि समर्पण अर्पण हो गए फिर उसके बाद सब कुछ बाबा तेरा। लेकिन धक्के से पास होते हैं, किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, बाबा कितना अच्छे एग्जाम्पल दे रहे। तो धक्का अकेले तो नहीं देंगे, साथ चाहिए, इसलिए वरदानी नंबर वार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता। एक बल एक भरोसा, एक का भरोसा दूजे का बल ऐसा नहीं कहा जाता, एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, ना मन मत ना पर मत, एक रस ना और कोई व्यक्ति ना वैभव का रस, ऐसे ही एकता एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी बाबा कहते हैं निकालना। भगत ऐसे भलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक पाठ पक्का करो, बाबा क्या पुरुषार्थ करना है वो भी बता रहे हैं। 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत विलास से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। हर संकल्प में, हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप सम्मुख साकार रूप में अनुभव होगा। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। ऐसी वरदानी आत्मा को यह विशेष वरदान प्राप्त होता है। कितना सहज पुरुषार्थ, बाबा ने कहा कि हर सेकंड, हर कर्म में, हर कदम में बस बाबा। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं, चतुराई भी है, रिजल्ट तो सारे बाप दादा के पास है ना। कहते अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी है। बाप दादा ने पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। कहते भारत के एम्बेसडर बन कर गए तो भारत का नाम भला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्र लगाने में मजा आता है, कितनी दुआएं जमा करके आए। बाबा डॉक्टर निर्मला दीदी के लिए बोल रहे हैं, निर्मला आश्रम भी चक्र ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। भगते जितना हम सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति है जो बाबा ने सुनाई है, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाना है और प्रयोगी और सहयोगी बनना है। अगते सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार स्वरूप में हाजिर अनुभव करने वाले ऐसे सदा वरदानी बच्चों को बाबा, मतलब बाप का प्यारा ये हर एक बच्चा है। कहते समय को सफल करना है, ज्ञान तो सुन लिया ना। एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे जिनको शक्ति चाहिए। जब बाबा हमें सेवा के लिए क्षेत्र भेजते हैं तो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, किसी को प्यार चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए।
अभी चाहिए, उनमें उमंग उत्साह सदा बना रहे, क्योंकि वो नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं पांडव को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को खुशी है, क्योंकि शक्तियों को तो बहुत नीचे गिरा दिया था, द्वापर से लेकर पुरुषोत्तम ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया। धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरी बने हैं, नहीं तो महामंडल स्वर्ग आ जाते हैं, लेकिन अभी महामंडलेश्वरियां रख दी है, क्योंकि बहनें भी साधु बन गए हैं। बाबा कहते हैं पांडव ने जीत प्राप्त कर ली थी। नाम पांडवों का आता है लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते, शक्तियों का करते हैं, क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई है। तो शक्तियां अपने स्वरूप शक्ति रूप में रहती है ना, बाबा हम बच्चों कह रहे हैं, या कभी कभी कमजोर बन जाती है। माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है, थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोत्र पोत्री में, धोत्र में मोह होता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है, पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्वही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है, और आप चैलेंज करो कि हम माताओं निर्मोही हैं, एक व्रता, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भाव। भगवत पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंस दान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि देवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था, फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतने स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ तब शक्तिशाली बनेंगे। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, चेहरे पे हमेशा खुशी बने रहे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व सेवाधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। आज की अव्यक्तवाणी को और भी गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करना है, बाप दादा मेरे साथ है निराकार और आकार। इसी तरीके से बाबा ने जो कहा है निरंतर खुशी में रहना है चेहरे पे, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हमें बाबा से हो रही है, तो ये प्राप्ति का अधिकारी बनना है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। तो हर सांस में हमें खुश रहना है, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।